देखिए, अगर जातिगत समीकरण की बात होती तो मैं कभी सांसद ही न बन पाता। जिस समाज से हम आते हैं ये दूसरे पर नहीं आता है, तीसरे पर नहीं आता है, चौथे पर नहीं आता है, पचवे पर आता है, छठवे पर आता है। तो जातिगत आधार पर हम कभी सांसद बने ही नहीं। हमको सर्व समाज का सहयोग मिलता है और हमारे आने के बाद ही स्थिति बनी है। पहले एकाध विधायक बलरामपुर से, एकाध विधायक बहराइच से जीत जाते थे, मेरे आने के बाद ही। और उसके बाद उसमें राम मंदिर का भी प्रभाव था, ऐसा नहीं कि राम मंदिर का प्रभाव नहीं था, लेकिन आप कह सकते हैं मेरे आने के ही बाद ऐसी स्थिति बनी कि 11 की 11 सीट बीजेपी को मिलने लगी। नहीं, उसके पहले मुन्नन खान निर्दलीय सांसद हो गए इसी हमारे गोंडा से, रिजवान खान निर्दलीय विधायक हो गए हमारे इसी गोंडा से, लेकिन अब तो नहीं हो पाया। रिजवान को हम 2004 में हराए थे, 2004 में, तब तक बेचारे आज तक नहीं बन पाए बलरामपुर से। और मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ क्या करना है मुझे। मैं देखिए खाली बैठने वाला नहीं, अब कोई पॉजिटिव रास्ता जो यहाँ के लोगों का काम आ सके और विशेष करके नई पीढ़ी के बारे में कुछ सोचना है, कुछ लोगों से बात करना है, कुछ लोगों को लाना है, ला करके बच्चों से मिलाना है, कुछ बड़ा खेल खेलना है, बड़ा चेंज लाना है। राजनीतिक नहीं, पढ़ने लिखने वाले बच्चों के हम आइडियल हैं और कहीं ना कहीं हमारे शब्द उनके कान में गूंजते रहते हैं, हमारे कहे हुए शब्द उनके कान में गूंजते रहते हैं, तो इसी में कोई बढ़िया रास्ता निकालेंगे। देखिए, हम इतना जानते थे कि पार्टी मुझसे बात करेगी, मुझे पता था कि पार्टी मुझसे बात करेगी, मुझको नजरअंदाज नहीं करेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं गोंडा पोस्ट, मैं हूं दीपक सिंह आपके साथ। गोंडा पोस्ट इस समय कवरेज कर रहा है कैसरगंज लोकसभा की, जहां से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट है करण भूषण शरण सिंह। करण भूषण शरण सिंह का नाम कुश्ती संघ से जुड़ा हुआ है। आप कुश्ती संघ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, पूर्व में राष्ट्रीय कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। और ब्रजभूषण शरण सिंह 6 बार के सांसद, केतकी सिंह सांसद उनके पुत्र है, छोटे पुत्र है। उनके पिताजी से आज हम मुलाकात करेंगे और जानेंगे किस तरीके से कैंपेनिंग चल रही है कैसरगंज में, किस तरीके से वोटों को साधा जा रहा है। ब्रजभूषण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका गोंडा पोस्ट पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। वो नेशनल खिलाड़ी भी है शूटिंग के, नेशनल खिलाड़ी है शूटिंग के, और अभी शायद उनको उन्होंने अपना एक रेंज भी बना रखा है, 22 एकड़ में एक शूटिंग रेंज बना रखा है, शायद पूर्वी उत्तर प्रदेश में पहला रेंज है। ये कहाँ पर लोकेटेड? यही नवाबगंज में। क्या इसमें आम लोग भी जाकर? आम लोग जाते हैं, आम लोग जाते हैं। अब इसमें आम लोग तो इसलिए नहीं जा सकते कि एक बड़ा महंगा गेम है, लेकिन पूरे प्रदेश के और कुछ प्रदेश के बाहर के भी लोग आकर के यहाँ रुकते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। कोच वगैरह सब कुछ उपलब्ध है? हाँ, सब उपलब्ध है। सबसे पहले भूषण जी, मैं आप शुरुआत करूंगा पॉलिटिक्स की, राजनीति की। और अभी रिसेंटली आपके ऊपर जो मुकदमा चल रहा था दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में, उसमें कुछ अपडेट आया है, थोड़ी सी कंफ्यूजन है लोगों में, लोग गलत तरीके से पोर्ट्रे करते हैं शायद लीगल कार्रवाइयों को, कहते हैं कि आपके ऊपर मुकदमा फाइनल हो गया है, ये हो गया। क्लैरिटी दीजिए कि इस समय मुकदमे में हुआ क्या है। देखिए, पुलिस ने चार्जशीट लगाई थी और मैंने उस चार्जशीट को प्रोजेक्ट किया था, मना किया था, जिसमें जो मुख्य 2-3 आरोप हैं कि वो लोग आकर के मुझसे मिले थे और हमने उनको टच किया था या गलत निगाह से उनको देखा था, तो उसके सारे प्रमाण हम दे चुके हैं कि जिस जिस दिन उन लोगों ने बताया कि यह घटना घटी है उस स्थान पर हम नहीं है। 2 घटनाओं में हम लखनऊ में हैं, घटना दिल्ली की है, 1 घटना दिल्ली की है उस दिन हम अपने गांव में हैं, 1 घटना दिल्ली की है उस दिन हम सर्बिया में हैं। लेकिन ये जो चार्ज फ्रेम होता है इसमें बहुत कुछ कहने का मौका आपके पास नहीं होता है। मतलब ये ट्रायल नहीं है? नहीं, ट्रायल नहीं है, ट्रायल नहीं है, इसमें बहुत कुछ कहने का मौका आपको नहीं होता है। तो आप कहाँ थे, आपकी लोकेशन क्या थी, ये सब आप जब ट्रायल चलेगा तब दे सकते हैं। तो प्रथम दृष्टया जो है कोर्ट ने संज्ञान ले लिया कि नहीं, मुकदमा चलने लायक है तो चलेगा, कोई बात नहीं है, अब हम अपनी बात रखेंगे। और ये मैंने पहले भी कहा था, ये झूठा है और फिर कह रहा हूँ ये झूठा है। और कोर्ट और जो कोर्ट ने निर्णय दिया है, एक प्रक्रिया है, उसका स्वागत है, इस पर ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, चलेगा। लेकिन आप ये भी बताते हैं कि कुछ ना कुछ एक साजिश है आपके विरुद्ध। ये बहुत बड़ी साजिश है
और मेरे जीवन में कुछ इस प्रकार से होता ही रहता है। इसी प्रकार से सन 1996 में एक साजिश हुई थी और मुझको टाडा लगा था मेरे ऊपर, और कल्पनाथ राय जी उस समय मंत्री हुआ करते थे कैबिनेट के भारत सरकार में, उनके ऊपर भी टाडा लगा था। उस समय भी खड़यंत्र हुआ था और कांग्रेस के ही द्वारा हुआ था। यहां तक कि जो स्थानीय प्रत्याशी हमारे सामने उस समय लड़ते थे वो भी उस खड़यंत्र में शामिल थे। अच्छा। हाँ, वो भी उस खड़यंत्र में शामिल थे। बाकायदा गोंडा में एक मीटिंग हुई थी, मीटिंग में ये पूछा गया कि भाई बताओ अगर ये जेल चले जाए तो फायदा होगा कि नुकसान होगा, तो केवल एक व्यक्ति ने कहा था कि इससे नुकसान होगा, उनके किचन कैबिनेट के एक व्यक्ति ने, बाद में नाम इस कैमरे के उस हटकर बता देंगे, और बाकी सबने कहा फायदा होगा। और मुझे टाडा लगाया गया और मेरी पत्नी चुनाव लड़ी, वो जीती, फिर बाद में मैं राजनीति में फिर सक्रिय हुआ। कुछ इसी प्रकार से क्योंकि देखिए ये जो कुश्ती संघ का अध्यक्ष पद है ये किसी सरकार ने मुझको गिफ्ट नहीं दिया था। हम अपने पुरुषार्थ पर या अपने व्यवहार पर हमने इसका चुनाव लड़ा था। उस समय के हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री के बेटे दीपेंद्र हुड्डा सांसद हमसे चुनाव लड़े थे और 51 वोट पड़े थे, 4 वोट उनको मिले थे, 47 वोट पा करके मैं अध्यक्ष बना था। फिर 8 में बना, कुश्ती को काफी ऊंचाई पर ले गया। फिर 12 में बना, फिर 16 में बना, मतलब 12-16 तीन टर्म बनता रहा। तो ये चुनाव आया तो ये लोग जानते थे कि हम इनको हटा नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारा काम करने का तरीका, फिर देश के लोग जैसे मजबूती के साथ मेरे साथ खड़े थे। तो ये विवाद सब शुरू हुआ था कुश्ती के अध्यक्ष पद से इनको हटाया जाए और ये अध्यक्ष पद बिना चुनाव के उन्हीं को दे दिया जाए, वर्चस्व की लड़ाई। हाँ, उन्हीं को दे दिया जाए जहां पहले हुआ करता था। हाँ, तो अब नहीं हो पाया तो 2-3 महीना बाद महिलाओं को लेकर गया। लेकिन जब आप अध्यक्ष बने तो राजनीतिक मतलब एक जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसका पालन करके ही बने? नहीं, हम तो चुनाव लड़ करके बने जी। हम तो चुनाव लड़ करके, अभी इस संकट काल में भी चुनाव हुआ है, इस संकट काल में भी चुनाव हुआ है तो लोगों को परेशानी, और चुनाव में फिर जो हमारे समर्थित प्रत्याशी थे वही जीते हैं और 43 वोट, 50 में 43 वोट पा करके जीते हैं। और ये 6-7 वोट जो ये लोग पाए भी हैं ये गलत वोट हैं, गलत ढंग से बने थे। हमसे किसी ने कहा था बन जाने दो, उसके बाद भी ये चुनाव नहीं जीते। तो उसके बाद पार्टी के सामने कुछ संकट रहा होगा तो उन्होंने हमको टिकट ना दे करके हमारे बेटे को टिकट दिया। अब बेटे हमारे चुनाव लड़ रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि अंतर नहीं, बहुत भारी अंतर से इस क्षेत्र की जनता उनको जिताएगी। जब ये ऊहापोह की स्थिति कि टिकट मिलेगा कटेगा, कुछ कंफ्यूजन आपके मन में भी चल रही थी या फिर ये पता था कि परिवार में टिकट रहेगा? देखिए, हम इतना जानते थे कि पार्टी मुझसे बात जरूर करेगी, मुझे पता था कि पार्टी मुझसे बात करेगी, मुझको नजरअंदाज नहीं करेगी। कारण क्या है, सन 89 से 89 से मैं इस पार्टी से जुड़ा हूं। जिस गोंडा जनपद में हम इस समय हम लोग बैठे हैं यहाँ लोकतंत्र ही नहीं हुआ करता था और हमारे आने के बाद ही स्थिति बनी है। पहले एकाध विधायक बलरामपुर से, एकाध विधायक बहराइच से जीत जाते थे, मेरे आने के बाद ही। और उसके बाद उसमें राम मंदिर का भी प्रभाव था, ऐसा नहीं कि राम मंदिर का प्रभाव नहीं था, लेकिन आप कह सकते हैं मेरे आने के ही बाद ऐसी स्थिति बनी कि 11 की 11 सीट बीजेपी को मिलने लगी और एक बीजेपी बहुत मजबूत स्थिति में निकल करके आई। नहीं, उसके पहले मुन्नन खान निर्दलीय सांसद हो गए इसी हमारे गोंडा से, रिजवान खान निर्दलीय विधायक हो गए हमारे इसी गोंडा से, लेकिन अब तो नहीं हो पाया। रिजवान को हम 2004 में हराए थे, 2004 में, तब तक बेचारे आज तक नहीं बन पाए। जब बलरामपुर से, हाँ बलरामपुर हम ही हराए थे, आज तक नहीं बन पाए। उसके पहले उन्होंने हरिशंकर तिवारी के बेटे को हराया था, हमारे जिले के बड़े नेता सद्देव सिंह को हराया, उसको अहंकार हो गया था, लेकिन 4 में हरा दिए, तब से आज तक हरदी नहीं लगी, घूम रहे हैं। अच्छा, ये मैं आऊंगा इस पर जो आपके आपकी सीटें जो बदली गई कई बार और
ऐसा क्या है कि बृजभूषण शरण सिंह के अंदर वो जहां जाते हैं विजयी होकर निकलते हैं, इस पर मैं बाद में आऊंगा। सबसे पहले मैं कुश्ती पर ही थोड़ी और चर्चा करना चाहूंगा कि ये जो आपने कहा कि आप कई बार अध्यक्ष रहे, आपके बहुत सारे अचीवमेंट रहे होंगे, और कई बार कॉन्ट्रोवर्सी में ना अच्छी बातें जो पॉजिटिव्स है वो छुप जाते हैं। बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर आरोप क्या है, सेक्सुअल हरासमेंट के जो आरोप है वो तो दुनिया जानती है, लेकिन शायद वो सारी बातें कहीं पीछे रह गई जो बृजभूषण शरण सिंह ने किया है। तो आपने क्या किया है कुश्ती? देखिए, मेरे आने के बाद ओलंपिक में मेडल, कुश्ती की गारंटी, कोई ऐसा वो नहीं गया है कि जिसमें हमारे मेडल ना आए। लगातार पिछली बार मेरे 2 मेडल आए थे। सारा विवाद वहीं से शुरू होता है, क्योंकि मैं 5 मेडल के लिए गया था। हमारी तैयारी, हमारे बच्चे भी उसके लायक थे, लेकिन कुछ गलतियां बच्चों ने की और कुछ गलतियां ये प्राइवेट कंपनियां घुसी हैं इसमें जी, स्पोर्ट्स के नाम पर प्राइवेट कंपनियां घुसी हैं, स्पॉन्सरशिप वगैरह के, हाँ, इस पर नाम पर घुसी है। तो जब बच्चों को हम ट्रेनिंग के लिए भेजते थे तो उनके दोस्तों को अलग से भेज देते थे। अब दोस्तों से समझ जाइए, ज्यादा खुल करके नहीं कहेंगे, जो कि कुश्ती के लिए बहुत हानिकारक है। हमारा ये कहना था, भाई हमने इस बच्चे को ट्रेनिंग के लिए भेजा तो इस बच्चे को ट्रेनिंग करने दो। अब बच्चा हम भेज रहे हैं, दोस्त तुम भेज रहे हो, वही लेकर के विवाद शुरू हुआ। मैंने बयान दिया कि वो जीव क्यू और जिंदल हमारे 2 मेडल खा गए, हमने ओलंपिक बयान दिया था, और उसी दिन से शुरुआत हो गई। और कुछ हमारे अधिकारी भी मिले थे, जो साई के अधिकारी हैं वो भी मिले थे, और अपनी गलती को छुपाने के लिए फिर एक मुहिम बनाया गया धीरे धीरे करके, धीरे धीरे करके, क्योंकि अगले ओलंपिक में हमारे कम से कम 4 मेडल थे और 5 हो सकते थे, और बिल्कुल निकट करीब से हम हारे। जिनसे उम्मीद थी वो मेडल नहीं लाए। दुख हुआ था आपको? बहुत दुख हुआ था। हमने बयान दिया था कि हमारे 2 मेडल जिंदल और ओजीक्यू खा गए, वही बयान मेरा काल बन गया। कुश्ती आपके दिल के बहुत करीब है? बहुत करीब है। हम खुद एक अच्छी अकेडमी चलाते हैं, मतलब लोभ लालच के कारण कुश्ती संघ से नहीं जुड़े हैं? नहीं, हम देखिए, एक राष्ट्र सेवा है। देखिए, जैसे पहले अखाड़े या वॉलीबॉल के मैदान, पहले तो क्रिकेट होता नहीं था, वॉलीबॉल होता था गांव में, कबड्डी होता था गांव में, और कुछ नदी अगर जा है तो नदी से जुड़े कुछ खेल होते थे, जहां पेड़ है वो पेड़ों से कुछ खेल होते थे। तो ऐसे हमारी एक व्यवस्था थी कि ये स्वास्थ्य का पूरा सिस्टम जो है एक तरीके से गांव से ही चलता था, और उसमें सबसे अच्छा सिस्टम था अखाड़ा और मिट्टी। नवाबगंज का अखाड़ा आपका बड़ा मशहूर? जी 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 जी। तो ये लगाव है बचपन से, पिताजी भी करते थे, बाबा जी भी करते थे, हम भी थोड़ा बहुत करते थे। अब मैं सीटों पर आता हूँ, आपके चुनाव पर आता हूँ। बलरामपुर आप गए, वहां से आप विजयी हुए, और आप गोंडा से भी लड़े, हाँ। और यहाँ के कद्दावर नेता के सामने, हाँ, आपका द्वंद रहता था, उसके बावजूद आप विजयी हुए। कैसरगंज जब नई सीट बनी, आपको यहाँ भेजा गया, आप हमेशा विजयी होते हैं। क्या आपकी फोरसाइट, दूरदर्शिता इतनी अच्छी है, जनता में पकड़ इतनी अच्छी है, इस निरंतर विजय का कारण क्या है? देखिए, एक तो मैं नेताओं के सामने सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि नेता मिलते नहीं है, जनता और नेता से दूरी बन जाती है। प्रथम शिकायत यही होती है कि हम एमपी साहब से मिल नहीं पा रहे हैं, वो शिकायत मेरे यहाँ नहीं है। दूसरी, मेरे दरवाजे पर कोई भी, मुझे याद नहीं है कि कोई ऐसा व्यक्ति आया हो और जिसको ये गिलास पानी ना मिला हो। ये भगवान की कृपा है, अन्नपूर्णा महारानी की कृपा है कि कम भी नहीं पड़ता है, और जो आता है तो उसको, जो हमारे गोंडा की परंपरा है, हमारे इस पूरे इलाके की परंपरा है कि हमारे, हम लोगों के यहाँ कोई भी आएगा, अगर अपरिचित भी है तो हम उसको कोई मीठा रखेंगे, जो भी सुलभ है मीठा रखते हैं हमारे गांव के लोग, और उसको एक गिलास पानी देते हैं और तब हालचाल पूछते हैं। तो ये परंपरा मैं बखूबी निभा रहा हूँ, और हमारे दरवाजे पर चाहे कोई बड़ा आदमी आवे और चाहे कोई अति गरीब आदमी आवे, एक ही मिठाई सबको मिलेगी, और एक ही प्रकार का बैठका है, 2 प्रकार का बैठका नहीं है। मैं ड्राइंग रूम में कभी मिलता नहीं हूँ, छप्पर में मिलता हूँ, क्योंकि ड्राइंग रूम में जब गरीब आदमी घुसता है तो 4 बार अपने चप्पल को देखता है, अपने कपड़े को देखता है, इसलिए हम ओपन ऐसे मिलते हैं और निरंतर बने हुए हैं और सुख दुख के साथी हैं, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। चुनाव में भी हम कोई टेंशन नहीं लेते हैं।
करण को, चूंकि अब चुनाव के समर में कूदे हैं, तो कोई टिप्स करण को देते हैं, गाइडेंस देते हैं कि ऐसा करो, इन लोगों से मिलो, आपकी तरफ से? वो प्रॉपर ट्रेनिंग सब अपने आप, एक राजनीतिक परिवार में ये ट्रेनिंग अपने आप हो जाती है कि अब पानी पिलाना है, या किसी के शादी में जाना है, ब्याह में जाना है, सुख में जाना है, दुख में जाना है, ये ट्रेनिंग अपने आप हो जाती है, इसकी कोई नई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। अब जो है समाजवादी पार्टी से आपका कड़ा मुकाबला है इस सीट पर, और उनका पिछड़ा, दलित, अगड़ा जातिगत समीकरणों पे ये खेल रहे हैं, क्या ये जातिगत समीकरण समाजवादी पार्टी के प्रदेश के अंदर और आपकी सीट के अंदर कामयाब होगा? देखिए, अगर जातिगत समीकरण की बात होती तो मैं कभी सांसद ही न बन पाता। अब जैसे कैसरगंज लोकसभा में 5वें नंबर का वोट है, गोंडा लोकसभा में भी थे तब भी 5वें नंबर का वोट था। जिस समाज से हम आते हैं, ये दूसरे पर नहीं आता है, तीसरे पर नहीं आता है, चौथे पर नहीं आता है, 5वें पर आता है, 6वें पर आता है। तो जातिगत आधार पर हम कभी सांसद बने ही नहीं है। हमको सर्व समाज का सहयोग मिलता है, सब समाज का सहयोग मिलता है, और हमको बीजेपी से या जब राम जन्मभूमि का बहुत आंदोलन कड़ा चल रहा था उस समय भी मुझको आप कह सकते हैं कि मुसलमानों के भी थोड़ा बहुत वोट मिल जाते थे, उस समय भी मिल जाते थे। तो मैं जो आज सांसद हूं, मैं एक समाज के कारण नहीं हूं, क्षत्रिय होने के कारण नहीं हूं, मैं सर्व समाज को लेकर के चलता हूं, सर्व समाज के कारण ही मैं सांसद हूं। और जहां तक कुछ विरोध कुछ जातियों में होता है, तो कुछ क्षत्रिय भी विरोध कर रहे होंगे, कुछ जो है ब्राह्मण भी विरोध कर रहे होंगे, तो वो विरोध हमारा नहीं है, वो उनके गांव की राजनीति है। गांव में ये होता है कि अगर आप मेरे साथ हैं तो ये नहीं रहेंगे, आप ना रहे तो ये रहेंगे। लेकिन जातिगत आधार पर, व्यक्तिगत आधार पर मुझे कोई चुनौती नहीं मिलती है। जो नहीं भी हैं वो मेरे कारण नहीं है, वो अपने गांव की राजनीति के कारण है कि नहीं, एक आदमी उनके गांव का मेरे बगल में हमेशा रहता है, इसलिए वो हमारे साथ नहीं रहेंगे। लेकिन पीठ पूछे सब मेरे समर्थन में ही बोलेंगे। अंतिम सवाल आपसे, ज्यादा समय नहीं लूंगा, आपके बहुत सारे समर्थक खड़े हैं और आपको कैंपेनिंग पर निकलना है। अभी रिसेंटली एक पत्रकार आपके पास आए थे, उन्होंने आपके साथ पंजा मिलाया, फोटो को ट्वीट किया और उसको तुरंत डिलीट कर दिया और माफी मांगी उस पंजा मिलाने के कारण। आपके ऊपर कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, उसके बावजूद अगर लोग आपकी आइडेंटिटी उससे करते हैं तो दुख होता है कभी आपको? देखिए, हम इतना दुख हम सह चुके हैं, इतना बड़ा बड़ा दुख हम सह चुके हैं कि थोड़ी देर के लिए तो होता है, लेकिन फिर मैं अपने टारगेट के लिए, अपने लक्ष्य के लिए निकल जाता हूं। क्योंकि पीछे पलट कर जाएंगे, अगर उसी को खोदबीन करेंगे तो बड़ा कष्ट होगा। इसलिए जो गया वो गया, जो बचा है उसको बचाया जाए, उसको कैसे बेहतर किया जाए, ये हमारा नहीं हर व्यक्ति का सिद्धांत होना चाहिए। मैं किसी के दरवाजे पर जाता हूं, अभी कल गया था, एक 22 साल का लड़का 23 साल का मर गया। मैंने उसके पिताजी से यही कहा कि भैया आप ये तो हो गया, तकलीफ है, लेकिन जो बचा है उसको बचाओ। मैं सबसे यही कहता हूं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि देखिए, सुख आते रहेंगे, दुख आते रहेंगे, घटनाएं घटती रहेंगी, लेकिन आगे बढ़ो, जो बचा है उसको बचाओ, उसको और बेहतर बनाओ, इसी सिद्धांत पर मैं चल रहा हूं। अब कहना नहीं चाहिए, मैं 6 भाई था, अकेला हूं, 5 भाई मेरे नहीं रहे, एक 22-23 साल का लड़का मेरा नहीं रहा, हर 5-6 साल पर, 7 साल पर मेरा फ्लोर टेस्ट हो ही जाता है, कुछ ना कुछ घटनाएं घट जाती हैं। अच्छा भला चल रहा था, यहाँ की जनता कम से कम 2032 तक मुझे सांसद के रूप में देखना चाहती थी, नहीं 32 तो 29 तक तो देखना ही चाहती थी, नहीं हुआ है, ठीक है, अब नहीं हुआ तो उसको पकड़ कर बैठना नहीं है। अब कुछ लोगों से मिले, जी बड़े दुखी हैं इसी बात को। हाँ है दुखी कि सांसद जी विभूषण शरण सिंह उनके सांसद नहीं होंगे। करण आपके पुत्र हैं, वो ठीक है, लेकिन आपके साथ लोगों का कनेक्शन बहुत तगड़ा है इस क्षेत्र में, तो उन लोगों के प्रति एक मैसेज में आप नहीं, कनेक्शन बना रहेगा, अब तो और खाली हो गए हम, और मैं प्रोग्राम बना रहा हूं, क्या करना है मुझे, मैं देखिए खाली बैठने वाला नहीं, मेरे इतने प्रकल्प चलते हैं, इतने संस्थान चलते हैं। अब कोई पॉजिटिव रास्ता जो यहाँ के लोगों को काम आ सके,
और विशेष करके नई पीढ़ी के बारे में कुछ सोचना है, कुछ लोगों से बात करना है, कुछ लोगों को लाना है, ला करके बच्चों से मिलाना है, कुछ बड़ा खेल खेलना है, बड़ा चेंज लाना है, राजनीतिक नहीं, बड़ा चेंज लाना है क्षेत्र के अंदर। जैसे नारा था स्वस्थ गोंडा, साक्षर गोंडा, हरा भरा गोंडा, चेंज हुआ, कोई माने ना माने, कुछ लोग कहते हैं मैंने कमाई के लिए स्कूल खोला है। अरे भाई अब क्या बताएं, अब आज स्कूल खुल गए, साक्षरता दर जो है 65% 70% पहुंच गई, मतलब मिट गया, पहले जो है 33% रहती थी तो अच्छा था, अब ये कोई परीक्षा ऐसी नहीं होती है जिसमें गोंडा का कोई बच्चा सेलेक्ट ना हो, चाहे आईएएस चाहे आईपीएस। अब हमारे गांव का एक लड़का अभी आईपीएस सेलेक्ट हुआ है, अभी एक हमारे गांव का एक मौर्या जो है पीसीएस सेलेक्ट हुआ है, अभी हमारे क्षेत्र की परसपुर की एक लड़की आईएएस बनी है। तो कहीं ना कहीं देखिए जो रूप लेना हो, लेकिन पढ़ने लिखने वाले बच्चों के हम आइडियल हैं, और कहीं ना कहीं हमारे शब्द उनके कान में गूंजते रहते हैं, हमारे कहे हुए शब्द उनके कान में गूंजते रहते हैं। तो इसी में कोई बढ़िया रास्ता निकालेंगे, लाएंगे कुछ देश के छठे हुए विद्वानों को, बात करेंगे, रखेंगे, काम करेंगे, रूप से सक्रिय रहेंगे। अब राजनीतिक, अब राजनीति का तो, अब राजनीति का तो कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन अभी तो मैं कुछ, लेकिन सक्रियता बनी रहेगी कुल मिलाकर के। अब एक लास्ट मैसेज, चुनाव है, मैं आपसे चाहूंगा आप एक डायरेक्ट मैसेज जनता को दें कि इस चुनाव में करण भूषण शरण सिंह को क्यों जिताया जाए, और दूसरा बड़ी से बड़ी संख्या में जो कि प्रशासन का भी अपील है कि लोग जाएं और अपने मत का प्रयोग करें, आपके द्वारा एक मैसेज। मैं कैसरगंज लोकसभा के मतदाताओं से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि कैसरगंज का चुनाव एक विषम परिस्थिति में एक तरीके से चल रहा है, पूरे देश की निगाह है, देश में कुछ हमारे दोस्त हैं उनकी भी निगाह है, और कुछ ऐसे लोग हैं जो हमें बर्बाद होते देखना चाहते हैं उनकी भी निगाह है। तो आपको तय करना है कि आप क्या चाहते हैं। तो हमारा आग्रह है कि जितने वोट से हम जीते थे उससे ज़्यादा वोट से करण भूषण सिंह को जिताइए। तो जो लोग मेरी बर्बादी का सपना देख रहे हैं उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।